तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या है। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन पदार्थ का एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, जो कि दो प्रॉपर्टीज से मिलकर बना होता है। पहला होता है, फर्स्ट वन इज द द्रव्यमान। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है या गुण होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का एक समावेशन जिसको मिलते हैं ई से, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान और आवेश का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम ये कह सकते हैं कि द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है और नहीं भी, लेकिन आवेश कभी भी द्रव्यमान रहित या बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर एक नियत राशि आती है E/m, जहाँ E आवेश है, ऋणात्मक आवेश, और m क्या है, द्रव्यमान है, और दोनों का कॉम्बिनेशन। इसको स्पेसिफिक द्रव्यमान भी कहते हैं, बट रियलिटी में यही वो एनर्जी है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन चार्ज और द्रव्यमान का एक कॉम्बिनेशन है, जिसके पास में एक चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है -K 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास यानी कि द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻¹⁹ kg, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन संयोजन कहलाता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके अंदर द्रव्यमान और आवेश, ऋणात्मक आवेश, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रिमेंबर ऑलवेज, द्रव्यमान और आवेश दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसका स्पेसिफिक मास वापस क्या मिलता है, नियत। याद रखेंगे द्रव्यमान भी कांस्टेंट होता है और आवेश भी कांस्टेंट होता है, लेकिन दोनों पर स्पीड का क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखेंगे आवेश पर स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना ही समय का, यह हमेशा नियत रहती है। लेकिन अगर बात करते हैं द्रव्यमान की, तब द्रव्यमान वेग के साथ में परिवर्तित होता है, यानी कि द्रव्यमान वेग के साथ में परिवर्तित होता है, जबकि आवेश किसी भी सिचुएशन में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए E/m का मान नियत होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के दो रूप होते हैं। पहला अगर बात करते हैं तो कण रूप, मतलब कण की जितनों भी प्रॉपर्टीज होती हैं और गुण होते हैं, उन सभी को ये संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कण रूप। इसका दूसरा रूप होता है तरंग रूप। तरंग रूप का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये E/m है और यहाँ पर जो ये दो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है, दो ऊर्जा का समायोजन है, द्रव्यमान और चार्ज या आवेश, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये पाई जाती है, अगर ये गति करता है, चलता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे एक तरंग करती हो। पता कैसा लगा? यानी कि तरंगों में होने वाली घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी को संतुष्ट करता है। तो अगर बात करते हैं तो अभी तक स्पेसिफाइली ये पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली ये कण है या तरंग है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये कण के रूप को संतुष्ट करता है, जैसे E/m। अगर बात करते हैं तरंग की, तो यह तरंग के चलते हुए जब भी ये गति करता है, तब ये तरंगों के होने वाली घटनाओं को संतुष्ट करता है, तब हम कहते हैं ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जिसको दिया था डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन के दो रूप होते हैं, कण रूप और तरंग रूप, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज को संतुष्ट करता है, लेकिन तरंग रूप जब भी होता है तब इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो पहला होता है कण रूप, दूसरा होता है तरंग रूप।
तो बेसिकली अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन दो प्रॉपर्टीज का, दो गुणों का एक समायोजन है जो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वेग से, फॉर एग्जांपल ये एटम है और इसका कोई ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर ये इस दिशा में ये घूमते रहता है, और यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट एनर्जी है, नियत ऊर्जा है, इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओनली मेजरमेंट है, देखा किसी ने नहीं है। वंस अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान और ऋणात्मक आवेश का एक कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा द्रव्यमान जिस पर इतना ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दो गुण होते हैं, पहला द्रव्यमान और दूसरा ऋणात्मक आवेश, और इसकी दो प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, कण रूप और तरंग रूप, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज को संतुष्ट करता है। पहला होता है कण रूप और दूसरा होता है तरंग रूप। सो थैंक यू।